हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार लाइन कोचिंग सेंटर में। तो कल लोग आप लोग का 25 क्वेश्चन बता दिया गया था सोशल साइंस का, आज चलेगा 26वां क्वेश्चन से, यानी कि आज भी 25 से 30 क्वेश्चन बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं हमारे चैनल पर, वो वीडियो को पहले शेयर कर दें और लाइक कर दें, तब आगे बढ़ते हैं। चलो देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1920 ईस्वी को, 1930 ईस्वी को, 1935 ईस्वी को, 1942 ईस्वी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी को हुआ था। चलो 27 नंबर, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो राउरकेला कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, झारखंड में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है या पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो ये राउरकेला कहाँ, उड़ीसा में है। चला 28 नंबर में देखिएगा, समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की सारी व्यवस्था में प्रवृत्ति बढ़ी है, प्रगतिशील प्रवृत्ति या फिर आक्रमण प्रवृत्ति या रूढ़िवादी प्रवृत्ति या शोषणकारी प्रवृत्ति। तो 28 नंबर का क्या होया, प्रगतिशील प्रवृत्ति। चला 29 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, चला 29 नंबर देखिएगा, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, जो उपभोक्ता अधिकार दिवस है वह कब मनाया जाता है। ए में है 17 मार्च को, बी में है 15 मार्च को, और सी में है 15 अप्रैल को, और डी में है 22 अप्रैल को। तो उपभोक्ता जो है अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 का आप लोग आंसर दीजिए ए बी सी डी में। तो उपभोक्ता और दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। चलो 30 में देखिए, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं, वैश्वीकरण का जो मुख्य अंक है, एक है, दो है, तीन है, पाँच है, सॉरी एक है, दो है, पांच है, चार है। तो क्या हो जाएगा 30 का, तो वैश्वीकरण का चार अंग है। चला कौन सी सेवा गैर सरकारी है, सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा या रेल सेवा, इसमें से कौन सेवा गैर सरकारी है। तो 31 का क्या हो जाएगा, मॉल सेवा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, मुंबई को, दिल्ली को, पटना को, बेंगलुरु को। तो इसको वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है, चलिए आंसर दीजिए, तो मुंबई को कहा जाता है। चला 33 नंबर देखिए, काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है, पूर्णिमा में, सिवान में, मुजफ्फरपुर में, पूर्वी चंपारण में। तो 33 का आप लोग क्या आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, 33 का क्या हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में हो जाएगा। चलो 34 में देखिए, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, जमालपुर में है, बी में भागलपुर में है, सी में मुंगेर में है, डी में पटना में है। तो रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, जमालपुर में है। चला जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी बच्चे नहीं जुड़े उनके पास शेयर कर दें कि ताकि वो भी जुड़ सके, और अपने दोस्तों एवं मित्रों को बताएं ताकि वो भी पढ़ाई कर सके। चला 35 नंबर में देखिएगा, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, समुद्र में भूकंप है, बी में मैदानी क्षेत्र में भूकंप है, सी में पर्वत पर भूकंप है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 35 का क्या हो जाएगा, ए है, समुद्र में भूकंप। सुखाड़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, या फिर समान आपदा है, या इनमें से कोई नहीं। तो सुखाड़ क्या है, प्राकृतिक द्वारा घटता है या मानव द्वारा घटता है। तो सुखाड़ क्या है, प्राकृतिक द्वारा घटने वाली घटना है। तो ये क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। चलो आगे का क्वेश्चन देखिएगा, 37 नंबर, सैतीस में है, सैतीस में कहता है निम्न में कौन सी
एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था को निरूपित नहीं है। ए में है कानून के समक्ष समानता, बी में है स्वच्छता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, और सी में है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, और डी में है बहुसंख्या का शासन। तो 37 का आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो 37 का क्या हो जाएगा? डी नंबर है बहुसंख्या का शासन। फिर 38 नंबर देखिएगा, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ए में है नागरिकों की उदासीनता पर, बी में है नागरिकों को गैर कानूनी कार्रवाई पर, सी में है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, और डी में है नागरिकों द्वारा अपनी जीत के हितों की रक्षा पर। तो आप लोग आंसर दीजिए 38 का। तो 38 का क्या हो जाएगा? सी नंबर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। 39 में देखिए, क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरी नाम है। ए में है अपने क्षेत्र की लगाव, बी में है राष्ट्र हित की लगाव, और सी में है राष्ट्रीय एकता, और डी में है अलगाववाद। तो ए बी सी डी में आप लोग जवाब दीजिए 39 का। तो क्या हो जाएगा 39 का? अलगाववाद। कोयला है, कोयला मतलब कैसा संसाधन है, नवीकरणीय है अनवीकरणीय है? तो कोयला जो है क्या है, नवीकरणीय संसाधन है या अनवीकरणीय या जैव या इनमें से कोई नहीं? तो ए बी सी डी में आप लोग जवाब दीजिए। 40 का आप लोग आंसर दीजिए। तो 40 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनबी करनी है। 41 में देखिए, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय एवं आर्थिक दुष्कर्मों को समाप्त करने के लिए हुआ? सार्क में, नाटो में, ओपेक में या यूरोपीय संघ में? तो 41 का आप लोग आंसर दीजिए। तो 41 का क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ में हुआ। चला 42 में देखिए, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ए में महात्मा गांधी ने, बी में मार्टिन लूथर, सी में मोहम्मद पैगंबर, और डी में ईसा मसीह। तो 42 का आप लोग आंसर दीजिए, कौन हो जाएगा? मार्टिन लूथर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर। चलो 43 में देखिएगा, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष या 19 वर्ष? भारत में मतदाताओं होने की न्यूनतम आयु कितना है? तो 18 वर्ष। चलो 44 में देखिएगा, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और अध्यक्षीय, या फिर संघीय और संसदीय, एकतात्मक एवं संघीय, एकात्मक संघीय? तो 44 का आप लोग आंसर दीजिए। 44 का क्या हो जाएगा? तो 44 का बी नंबर हो जाएगा, संघीय और संसदीय। चलो 45 नंबर आप लोग देखिए। 45 में कहता है कि भारत में कोयले का सर प्रमुख उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। भारत में कोयला का सर प्रमुख उत्पादन राज्य कौन है? 45 का आप लोग आंसर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। चलो 46 में देखिए, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है? भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, टाटा लौह और इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील सिटी, विश्वेश्वरीय लौह और इस्पात प्लांट? तो क्या हो जाएगा? 46 का आप लोग का क्या हो जाएगा?
तो 46 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा टाटा लौह इस्पात कंपनी। 47 में देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है रेलवे से, सड़क मार्ग से, सी में जल मार्ग से और डी में वायु मार्ग से। तो 47 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, सड़क मार्ग से। चलो 48 में देखिएगा, गंडक परियोजना है बेतिया से वाल्मीकि नगर में या मोतिहारी से या छपरा से। तो 48 का क्या हो जाएगा, ए बी सी डी में आप लोग जवाब दीजिए। ये आज लास्ट क्वेश्चन है, आज 48 क्वेश्चन ही बताया जाएगा, मतलब 25 क्वेश्चन कल हुआ था आप लोग का, आज 23 क्वेश्चन ही हुआ। तो क्या हो जाएगा, वाल्मीकि नगर से। तो जो भी बच्चे जुड़े हुए हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक बच्चा जुड़ने का प्रयास करें। देखो जितना ज़्यादा अधिक बच्चा रहेगा उतना ज़्यादा क्वेश्चन हम बताएंगे, तो आप लोग जितना से ज़्यादा बच्चा जुड़ने का प्रयास करें, तथा अपने मित्रों दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो भी इस एजुकेशनल चैनल पर पढ़ सके। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।